And the government is doing. With these words, sir, I thank you for the opportunity. Professor Manoj Kumar Jha. Shukriya, sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यकाल में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ये नहीं कह सकता कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ. कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो वेलकम इनिशिएटिव हैं, मैं मानता हूँ. बस कुछ सुझाव दूंगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे बीच का संवाद, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता. विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी. सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में. मैं था उस दिन जब ये नॉमिनेटेड मेंबर है. अन्य सदस्य अपने एक सेकंड. उन्होंने बड़ा ग्रॉस ट्रीटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है. वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के. आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है. क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, सदन की एक व्यवस्था के तहत मैंने ये बात कही थी. वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मैं जानता हूँ. माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरी बात कही है. सर, मैं समझ गया सर. या तो मुझे बात कहने दी जाए. मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बिहार से चुन के आता हूँ, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी. देश तो सबका है सर, तिरंगा यहाँ कहीं किसी से छोटा नहीं है सर. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था. माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत अच्छी चीजें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि विरोध के लिए विरोध करूं यह उचित नहीं है. माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि जब हम ये कहते हैं कि ये नॉमिनेशन होंगे, पहले तो मैं तारीफ करूं कि अंडर प्रिविलेज्ड के बदले एक शब्द जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टर्म है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपने उसका इस्तेमाल किया, तारीफ के काबिल. सर, ये जो नॉमिनेट करने का अधिकार LG साहब को है आज की डेट में, कल राज्य बन जाएगा तो गवर्नर साहब होंगे, क्या ये स्टेट असेंबली को डेलीगेट नहीं होना चाहिए? और अगर करना चाहें तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि होनी चाहिए थी. सर, तारतम्य थोड़ा टूटा है लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूं. सर, आरक्षण को लेकर के भी हम पीस मील में करते हैं. हर सत्र में मैं देखता हूं कुछ बिल आते हैं. एक समेकित योजना पूरे देश के संदर्भ में हमें इसके लिए बनाने की आवश्यकता है, वो बहुत बेहतर होगा. आज 370 पे फैसला आया और सदन की जिम्मेवारी आज बढ़ गई है. उस फैसले के बाद सर, सरकार की जिम्मेवारी बढ़ गई है. मैं मानता हूं इतिहास, आपने यहां एक फैसला लिया था, उस तब संसद वहां थी सर. ये लगभग घिस चुका था, हम भी जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पहलू था. मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि उस साइकोलॉजिकल हीलिंग की भी कोशिश होनी चाहिए. और ये हीलिंग हो सकती है सर. मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान का मिजाज महासागर वाला है, इसको बस तालाब ना बनाया जाए, महासागर अपने अंदर सब समाहरित कर लेगा. माननीय सभापति महोदय, जो कश्मीरी घाटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनको लेकर के भी एक चिंता होनी चाहिए. बाहर हैं उनकी चिंताएं वाकिफ है, बल्कि विवेक जी ने यह बात कहा कि बुरे से बुरे वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी उन्हीं घरों में, गांव में, गलियों में रही. उनका एक्नॉलेजमेंट मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है. माननीय सभापति महोदय, अंबेडकर साहब कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार उसको दोहराते हैं. सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नजरिए से देखेंगे ना तो हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है. मैं जानता हूं कि दिल्ली की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिसी और घाटी या जम्मू या लद्दाख की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिसी में फर्क है सर. सर, अभी पिछले दिनों हमारे कई BJP के साथी कह रहे थे कि चुनाव परिणाम संतुष्टि का परिचायक है. फिर तो लद्दाख में भी एक चुनाव हुआ था सर. सर, बस एक मिनट लूंगा चूंकि आपने पहले कहा था. सर, एक आखिरी चीज कहूंगा कि पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षक सरकार की आलोचना करें, उसको देश की आलोचना ना माना जाए. ये
फर्क मिटता सा जा रहा है, ये कश्मीर के संदर्भ में नहीं बाहर भी। दूसरी चीज सर, दूसरे राज्यों में जो कश्मीर के छात्र रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन दीजिए। और आखिरी चीज कहूंगा सर, बड़ी पीड़ा के साथ, कि खामोशी शांति का पर्याय नहीं होती है। शांति के लिए न्याय चाहिए, वो उतना ही कश्मीर के लिए दुरुस्त है जितना मणिपुर के लिए। जय हिंद सर। श्री ए ए रही।